सो गाइस, ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक पे बना रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का बहुत सारे चीज़ों पे कमेंट आ रहा था, जिसके बारे में मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हालांकि पहले भी मैंने बहुत सारे कमेंट का जवाब आप लोगों को दिया है, लेकिन अभी के इस वीडियो में कमेंट का जवाब दूंगा। प्लस हमारे साथ UMT में एक बहुत बड़ी कांड हो गई है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारा UMT हो गया ब्लॉक। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं पोर्ट शेयरिंग की वजह से ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और अगर आप भी UMT यूज करते हो तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगा कि UMT को हमने अनब्लॉक करा पाए हम कि नहीं करा पाए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अनब्लॉक नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन है, तो सब कुछ इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो मैं अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर हमने अपना UMT कार्ड मैनेजर ओपन कर लिया है। ओपन नहीं किया, अभी ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर कार्ड मैनेजर नहीं होता आप एक्सेस सपोर्ट ओपन कर सकते हैं, UMT सपोर्ट एक्सेस। और सपोर्ट एक्सेस में आपको जो भी UMT की चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो ये हमारा सपोर्ट एक्सेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो न्यू लिख के आ रहा है 5.5 डेज ओल्ड है इंस्टॉलर पे। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला नया अपडेट अभी आया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ये पूरा लाइन इसमें टूल्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। और आपको सपोर्ट एक्सेस चाहिए तो इसी में आपको सपोर्ट एक्सेस भी मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप सपोर्ट एक्सेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं अगर आपको मिला तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए UMT का कार्ड मैनेजर अपडेट, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो खैर, हमारे पास यदि ऑलरेडी है UMT कार्ड मैनेजर तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा। और एक्चुअली ये हमारा देखिए ये UMT यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे जब हम इसको अपडेट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट कार्ड कार्ड ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट योर रिसेलर। तो इस तरह का यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है और ये हुआ है कल का। अब एक्चुअली कैसे क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि हम UMT से रिलेटेड वीडियो बना के डालते हैं कि कैसे हम UMT को अपना यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और सब कुछ हम UMT से अपना बताते हैं और बहुत सारी टॉपिक पे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। और रही बात पोर्ट शेयरिंग की कि हम किसी के पोर्ट शेयर करके कहीं से हम फ़ोन अनलॉक करें, तो हम ऐसा आज तक कभी किए ही नहीं है और ना ही हम करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं वो लोग खुद से वीडियो बनाएं, खुद का मतलब जो भी टूल्स है खुद का परचेज करें, खुद से अनलॉकिंग सीखें। क्योंकि मेरा मकसद है कि हमारे साथ साथ इंडिया के जितने भी लोग हैं सब लोग नॉलेजफुल हों, उनके पास ये सब नॉलेज आए। तो ये सोच के हमने क्या किया है कि यहाँ पे कोड शेयरिंग का झंझट ही नहीं रखा है। जो भी ये कमेंट भी करते तुमको हम बताए थे भैया आप खुद ही सीखो ज़्यादा बेटर होगा, मैं हूँ, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूंगा, कैसे अनलॉकिंग है क्या है सब कुछ। तो इसलिए हमने इसको अपडेट नहीं मतलब पोर्ट शेयरिंग वगैरह नहीं किया है। और पोर्ट शेयरिंग नहीं किया है तो फिर हमारा ब्लॉक कैसे हो गया? तो इसमें क्या होता है, कई बार दो तीन बार अपडेट दबा देने से कई बार दो तीन दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसा कुछ इस पर लिखता नहीं है कि आपको कितने दिन के लिए ब्लॉक हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपका कार्ड बाई चांस ब्लॉक हो रहा है, अगर आपने पोर्ट शेयरिंग कोई गलती नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे कुछ दिन तक वेट करना है कि आपका अगर खुलना होगा दो चार दिन में खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो फिर आप अपने रिसेलर से कॉन्टेक्ट करके एक बार पूछिए। हमने रिसेलर से कॉन्टेक्ट किया तो उनका कहना ये था, हमने बताया कि हमने कोई पोर्ट शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं किया है फिर भी हमारा क्यों ब्लॉक हो गया, तो उनका बताना ये था कि आप के खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने YouTube पे वीडियो बना के डाला है तो यहाँ पे हमारा कार्ड नेम दिखा रहा है, तो हो सकता है कि कार्ड नेम देख के किसी ने उसको लिख के और वहाँ पे कंप्लेन कर दिया हो कि YouTube पे वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने में ऐसा क्या गुनाह है? एक तो YouTube अलग ही परेशान करके रखा है कि आप वीडियो मत बनाओ, और मतलब कोई भी वीडियो सैमसंग वगैरह FRP वगैरह ज़्यादातर कर रहे हैं तो चैनल पे स्ट्राइक आ जा रहा है। अब यहाँ पे UMT ने अलग ही परेशान कर दिया। अब एक महीना पहले हमने इसको न्यू अपडेट कराया था, इसका फ्रेंच मतलब ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, तो हमने फिर से इसको अपडेट कराया था। अब फिर से ये प्रॉब्लम आ गई एक महीना बाद ही। तो ऐसे में अब हम करें तो करें क्या, समस्या ये आ जाती है। तो हमारा कार्ड ही ब्लॉक हो गया है। अब दो दिन बाद हम आपको अपडेट देंगे क्या होता है और कैसे अगर हम खुलवाते भी है तो कैसे खुलता है क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हमारे एक दोस्त हैं यहीं आसपास में, उनका भी कार्ड एक बार ब्लॉक हुआ था तो दो दिन के अंदर में खुल गया था अपने आप, और अपडेट वगैरह कई बार गलती से दो तीन बार दबा दिए थे तो कुछ देर के लिए उसको बंद कर दिया गया था। तो ऐसा कंडीशन अगर हमारे साथ हुआ होगा तो दो दिन में खुल जाएगा तो भी बताऊंगा, और अगर नहीं खुलता है तो फिर क्या है कंडीशन आगे की अपडेट मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना है। और देखिए आप ही के लिए मैं मतलब ये अनलॉकिंग वीडियो बनाता हूं, और हमारा मतलब समझ लीजिए कि नुकसान ही नुकसान है अब, क्योंकि अब पूरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने की वजह से हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया है। अब पता नहीं कब तक क्या होगा और चालू होगा भी कि नहीं होगा। और ये किसी ने मुझे लगता है, अगर मैंने तो गलती नहीं किया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा शायद किसी ने कंप्लेन किया है।
अब मुझे ये नहीं पता है कि हमारी किसी से क्या दुश्मनी है, अगर कंप्लेंट किए हैं तो अगर मतलब हमने ऐसा क्या गलती कर दिया है, सिर्फ एक नॉलेज ही तो दे रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे सिर्फ बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो अब मुझे नहीं पता है, लेकिन आगे अगर जो भी पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये रही हमारे UMT की अपडेट की बात। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा तो जाने दीजिए, हम 10 UMT बर्बाद कर देंगे लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे, वीडियो आपके लिए आते रहेगी चाहे वो UMT कुछ भी हो जाए। हम अब अनलॉक टूल लेंगे और वो उस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसको हम कट कर देते हैं, अब हम चलते हैं अपने चैनल की तरफ। चैनल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, जिसमें कि यहाँ पे एक कमेंट आया हुआ है, भैया यूनिवर्सल स्टेंसिल से CPU रिबोलिंग करने पर एक वीडियो बनाइए। तो इनको बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में फिर उसको एडिट करना फिर उसको अपलोड करना, इसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लग जाता है। ये जो वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ, हो सकता है 3-4 दिन के बाद अपलोड हो, तो ऐसा होता है। तो इसलिए बहुत सारा काम है, दुकान का भी काम देखना, आपके लिए वीडियो बनाना, सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं वीडियो थोड़ा सा लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इनके लिए ये हमारे गौरव अहिजा जी ने ये कमेंट किया है, तो इनको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा एक जन और भैया ने यहाँ पे किया है, सर प्लीज़ रिप्लाई करना, अगर बूट लोडर डिलीट हो जाता है तो फ्लैश करके बूट हो जाएगा, क्योंकि कस्टम बूट लोडर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन रूट है। मतलब इन्होंने फ़ोन को रूट किया है और ये पूछ रहे हैं कि बूट लोडर डिलीट हो जाने पर उसको फ्लैश करके ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो इस पर मैं एक बहुत ही लंबा चौड़ा मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, एक बार में ये नहीं होगा। इनको मैंने कुछ रिप्लाई भी किया, तो यहाँ पे लिखे हैं, मेरा मतलब अगर मैं बूट रिकवरी सिस्टम और जितना भी पार्टीशन होता है सबको डिलीट कर देता हूँ तो फ्लैश हो जाए क्यों, के बारे में सैमसंग फ़ोन का बूट ही डिलीट कर दिया था, उसके बाद मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ, सैमसंग डेड हो गया परमानेंट। पहले बता दूं कि सैमसंग की पार्टीशन आपने डिलीट कर दी है तो आपका फ़ोन डेड परमानेंटली होगा ही होगा, क्योंकि आपने उसकी जो मेन उसको खुलने के लिए जो बूट लोडर का मतलब क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। बूट लोडर इसका स्टार्टिंग का खुलने का पॉइंट होता है, वही उसमें सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोन को ओपन करता है, उसको चलाता है, स्टार्ट करता है, और वही जब उसकी पार्टीशन ही डिलीट हो जाएगी तो फ़ोन कैसे खुलेगा। तो उसकी पार्टीशन आपने अगर हटा दिए या फिर डिलीट कर दिए तो फ्लैश करने से थोड़ी वो ऑन होगा। फ्लैशिंग तो हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर में चल रहा है, बूट लोडर सिस्टम के द्वारा दिया गया, उसको चेंज हम कर ही नहीं सकते हैं। उसको चेंज करना है तो UEFI से होगा, UMT से भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में उसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए हमें बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन फ्लैशिंग के लिए बूट लोडर अनलॉक नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप बूट लोडर अनलॉक करके आप कोई काम करते हो, बूट लोडर डिलीट कर देते हो, तो बूट लोडर डिलीट करने का मतलब होता है उसकी पार्टीशन डिलीट करना। पार्टीशन डिलीट कर दोगे तो फोन फोन तो डेड होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, उसको फिर से अगर आपको करना है तो वो फाइल आपको जो आपने उसका डिलीट किया उसको आपको रिकवरी करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन बेकार है, आप फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है फ़ोन का। जब आप उसकी पार्टीशन ही डिलीट कर दिए तो फिर उसकी पार्टीशन आपके पास है ही नहीं। अब या तो सेम मॉडल का पार्टीशन आपको रिकवर करके इसमें डालना पड़ेगा और उसकी CPU MMC दोनों को पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसकी RPNB का जो उसके अंदर जो लॉक होता है उस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। RPNB का दोनों CPU और MMC में RPNB का क्या होता है ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं RPNB क्या होता है। RPNB एक तरह का लॉक होता है, दोनों CPU और उसको कंबाइन करके रखा रहता है। आप अगर CPU हटा दोगे तो MMC दूसरे फ़ोन में सेम ही फ़ोन है, लेकिन आप उसमें CPU MMC दोनों को स्वाइप करना पड़ेगा अगर RPNB लॉक आप नहीं हटाना चाहते हो तो। और अगर RPNB लॉक हटा दोगे तो आप किसी का भी CPU किसी में उठा कर डाल सकते हो सेम मॉडल में, कहने का मतलब। तो ये होता है, तो RPNB का लॉक आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके उसका CPU MMC में आपको दूसरे फ़ोन का पार्टीशन रीड करके उसको सेव करके उसमें डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है EMI, उसकी EMI आपके पास होनी चाहिए सेम मॉडल की, तब जाके इतना सारा आप कर पाओगे। और ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पर एक प्रॉब्लम वीडियो बनानी पड़ेगी, और वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। अगर मैं इस EMI रिपेयर और बूट लोडर अनलॉकिंग पे फ़ोन को रूट करने पे वीडियो बना दूंगा तो हमारे चैनल पे धड़ाक से स्ट्राइक पड़ जाएगा YouTube की तरफ से। इसीलिए मैंने सोचा एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, बहुत जल्द उस पर मैं सोच रहा हूँ काम करूँगा, आपके सपोर्ट बस रहेगा तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, और उसके बाद से जितनी नॉलेज है हमारे पास जो है सब आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए पार्टीशन वगैरह ये सब की वीडियो हम YouTube पे नहीं डाल सकते, नॉर्मल फ्लैशिंग का और ये अनलॉकिंग का वीडियो डाल रहे हैं तो हमारे पे स्ट्राइक आ जा रही है।
तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी ये नॉलेज दे रहा हूँ आपके लिए शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और आप लोगों को अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इन्होंने जो बताया है इनको मैं फटाफट से रिप्लाई कर देता हूँ। इस पर मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देखो शाम को ये वीडियो अभी जो डाल रहा हूँ शाम को डलेगी, इनको देखने को मिल जाएगी और ये लोग ये हो सके तो समझ जाएंगे उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक जन ने कमेंट किया है कि CLK मेटा यूटिलिटी टूल टेस्टेड एंड फ्री है। अब टेस्टेड एंड फ्री है ठीक है, लेकिन वर्क कितना करता है इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं मेटा यूटिलिटी टूल पे। तो कमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने तरफ से भी नॉलेज शेयर करते हैं, तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग के पास जो नॉलेज है वो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप लोग बताइए क्या है क्या नहीं जो चीज़ आपको, और हाँ हमारे वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं भैया ये गलत है जो भी है, तो अपना छोटा भाई समझ के हमें बता सकते हैं कि गलत है सही है जो भी है बताइए, ताकि हम उसको सुधार के आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दे पाएँ। हमारा बस यही मकसद है कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट मिले और आपको हर चीज़ सीखने को मिले, और यही बस मेरा मकसद है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसके बाद यहाँ पे एक जन कमेंट किए हैं गोलू मोबाइल एक्सपर्ट, Y12 में कौन सा टूल काम करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि Y12 में टूल काम करने के मामले में अभी वही है आपका जो अभी जो चल रहा है TFM। इसके अलावा आपका उसमें क्रेडिट लग रहा है, फ्री में आपका Y12 होना थोड़ा सा किसी किसी में मुश्किल है। हाँ अगर आप टेस्ट पॉइंट से करते हैं तो हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट से करिए, और अभी तो UMT में बहुत मस्त आ गया है। अगर आपका फ़ोन मान के चलिए कि कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको बिना ऑथ को बाईपास किए डायरेक्ट उसमें ऑथ बाईपास का भी ट्रिक आ गया है, तो ये बहुत बेहतर है। उसमें ऑथ बाईपास का ऑलरेडी चीक है, आपको अलग टूल रखने की जरूरत नहीं ऑथ बाईपास करने के लिए, डायरेक्ट ऑथ बाईपास करिए और अपना काम करने लगिए, तो ये बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने किया है। इसके अलावा यहाँ पे भाई ओप्पो A3s को फॉर्मेट कैसे करते हो, तो पहली बात को ओप्पो A3s और ओप्पो का यही एक फ़ोन है और एक और मॉडल है ओप्पो A5 ऐसे कुछ करके, जो कि दो फ़ोन है जो कि मतलब कि अभी तक इनका कोई ना अपडेट आया है ना कुछ हुआ है, बस वे चल रहे हैं और मार्केट में अभी भी एक तरह से अपवाद बने हुए हैं, इनका कोई उपाय ही नहीं है करने का, करें तो क्या करें। इनके लिए स्पेशली एक टूल खरीद के रखना तो हमारे लिए कोई वो नहीं है, एक दो फ़ोन के लिए कौन रखेगा। हाँ आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर है यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन करा सकते हैं। हम भी इसको अपने खुद से नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें, हाँ एक चीज़ से हमने किया था एक बार CLK जैम्पर से, आप वो ट्राई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन खोलिए CPU के पास CLK जम्पर निकालिए और वहाँ से करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ये एक तरीका बेटर है आप कर सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा वो लग रहा आसान, मतलब कर सकते हैं आप तो इसको कर सकते हैं आप। तो ये कुछ कमेंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट है जो कि भी अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इनको हमने जवाब दे ही दिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और थोड़ी भी अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।